टीवी एक्ट्रेस तनिषा शर्मा ने महज 20 साल की उम्र में इस दुनिया को कह दिया है अलविदा। उन्होंने अपने मेकअप रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल भी ले जाया गया, मगर वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तनिषा शर्मा की आत्महत्या की खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। वहीं इस दौरान उनकी मां ने उनकी बॉयफ्रेंड और को-स्टार शेजान खान के खिलाफ अपनी बेटी तनिषा को आत्महत्या करने के लिए उकसाने पर केस दर्ज कराया है और फिर इस वक्त शेजान पुलिस कस्टडी में है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। बीते दिन ही एक्ट्रेस तनिषा शर्मा का अंतिम संस्कार भी किया गया। इस दौरान उनके जाने का गम उनकी मां सह नहीं पा रही थी, वो बार बार बेहोश हो जा रही थी। कहना गलत नहीं होगा कि बेहद ही कम समय में अपनी क्यूटनेस और दमदार एक्टिंग की वजह से तनिषा ने टेलीविजन और फिल्मों में अपनी अलग पहचान बना ली थी, मगर अब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन अपने पीछे एक्ट्रेस करोड़ की संपत्ति को छोड़ गयी है। बेहद ही कम उम्र में तनिषा शर्मा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी और महज 20 साल की उम्र में उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी पहचान भी बना ली थी और इसी वजह से उन्होंने कम उम्र से अच्छे पैसे कमाने भी शुरू कर दिए थे। रिपोर्ट की माने तो अपने पीछे एक्ट्रेस 15 करोड़ की प्रॉपर्टी और मुंबई में महंगा अपार्टमेंट पीछे छोड़ गई है। बल यही नहीं बल्कि एक्ट्रेस तनिषा शर्मा कई लग्जरी कारों की मालकिन भी थी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सीरियल भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप से एक्ट्रेस ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वो इंटरनेट वाला लव, इश्क सुभान अल्लाह जैसे सीरियल में अपनी खास पहचान बनाई थी। इन दिनों एक्ट्रेस अली बाबा दास्तान कबूल में लीड किरदार में नजर आ रही थी और इस शो के सेट पर ही अपने को-स्टार और एक्स बॉयफ्रेंड शेजान खान के मेकअप रूम में उन्होंने फांसी लगाकर कर ली थी आत्महत्या। जहां प्रोफेशनल लाइफ में एक्ट्रेस ने काफी सक्सेस हासिल कर रही थी, तो वहीं उनकी पर्सनल लाइफ में काफी उतार चढ़ाव थे। अपने एक्स बॉयफ्रेंड शेजान खान से ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस काफी परेशान थी और कहा जा रहा है कि इसी के चलते उन्होंने अपनी जान दे दी है। तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।